ग्राम पंचायत रानी नगला ब्लॉक भगतपुर टांडा तहसील व जिला मुरादाबाद के राशन डीलर की अपील के खिलाफ ग्राम समिति का विरोध प्रदर्शन मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर सैकड़ों ग्रामवासी के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन के पश्चात ग्रामवासियों ने एक ज्ञापन मंडलायुक्त मुरादाबाद को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि हमारे गांव के पहले राशन डीलर आबिद हुसैन का कोटा जांच के दौरान गरीबों के राशन कार्डों पर न बांटकर कालाबाजारी के तहत बेच दिया जाता था, जिस पर उसकी दुकान सील कर दी गई। लेकिन राशन डीलर आवेदन गांव में ये कह रहा है कि उसकी दुकान बहाल हो जाएगी। अतः ग्रामवासी मंडलायुक्त से अपील करते हैं कि मौजूदा राशन डीलर सही प्रकार से गांव वालों को राशन बांट रहा है, अतः आविद हुसैन की दुकान का लाइसेंस रद्द ही रहने दें। और मुझे मेरे गांव के आवाम बताइए, जनप्रतिनिधि आदमी हूँ और इस संबंध में गांव के आदमी लाए हैं। एक राशन डीलर का मसला चल गया था, अब से 4-5 महीने पहले इश्तियाक हुसैन डीलर थे और आविद की दुकान ख़त्म कराई थी गाँव वालों ने, कालाबाजारी करता था। इस संबंध में मुझे देखाए हैं, क्या जोर लिया गया जी? कमिश्नर साहब ने मुझसे बोला है कि साहब आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आप क्षेत्र तक हैं, और पीछे से उनके पेशकार साहब थे, उन्होंने बोला कि डीलर आए हैं तो गांव वाले उन्हें भी अपना साथ ले गए। उन्हें पेशकार साहब ने बुला लिया अंदर। जब वो गए तो कमिश्नर साहब ने कहा कि आप उठ जाइए यहाँ से, जाइए। ये जो जिनका नाम आपने नाम लिया है आप, ये कितने समय से काले बाजारी कर रहे हैं? ये 45 साल से दुकान चला रहे थे साहब, काफ़ी टाइम से काला बाजारी कर रहे थे। गांव को कोई अनाज नहीं मिल पा रहा था, गांव ने बड़ी मेहनतों से ये दुकान ख़त्म कराई और अब फिर गांव में ये धमकी देने लगे कि मेरे नाम दुकान आ रही है, अब बताऊँगा मैं सालों तुम्हें। अब मेरे पास अब जब दुकान ख़त्म हो गई, जब प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, तो अब क्या परेशानी है आपके सामने? अब परेशानी ये है, गाँव ये चाहता है कि साहब दुकान उस पर नहीं जाए। तो क्या दोबारा दुकान आ रही है उसके पास? जी जी, इससे तो गांव वाले पहले ही कमिश्नर साहब के पास आए हैं, पहले सूचना देने। विज्ञापन दिया आपने? जी।